तो सर अनिल को खड़ा करें एक बार। लाले खड़ी हो बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे डेयरी फार्म का अपने और सब में बढ़िया खुशखबरी की बात यह है, जैसे हम गौ को गौ माता बोलते हैं जी, ऐसे ही हमारी गौ माता एक दिन सबको पूर्णिमासी के दिन फ्री दूध देते हैं जी, हम बिल कटा के जी। काफी अच्छा है, देख पा रहे हैं हमारी जो गाय है उसके गले में कुछ है इंस्ट्रूमेंट, जो यहाँ साउंड हम भी सुन पा रहे हैं, तो ये क्या है इसके बारे में भी आप बताएं। साहब जी देखो, हमने उस टाइम पर टीवी देखने लगे थे जब गाँव में किसी किसी का टीवी होया करता, और उस आदमी के घर पर जो भी बच्चा जाता वो धरती में बैठता था जी। और आज जमाना इतना तरक्की कर गया कि हम लोटे लोटे बटन दबाते और वो भी स्क्रीन लगाते दीवार पर जी, बिल्कुल सही। तो हमारी गौ माता जी क्या रेडवा भी नहीं सुन सकती जी, बिल्कुल सही बात है। सर ने काफी इसका शौक तो पूरा करना पड़ेगा जी हमने जी, गाय के लिए काफी अच्छा जो है वो कर रहे हैं। और हमें भी एक शोध के माध्यम से पता लगी, आप किसी वेबसाइट पर चेक करेंगे तो काफी विदेशों में भी ऐसा ये जो तकनीक है ये अपनाई जाती है ताकि जो पशु है वो मनोरंजन कर पाए, चित्त को उसके चित्त को शांति मिले। तो आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज की वीडियो में एक बार फिर अपने विजिट है हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2018 जो कि 21, 22, 23 दिसंबर को ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं एक हमारे देसी गोवंश गाय के पालक भाई से, जिन्होंने अपने घर पर काफ़ी अच्छी अच्छी जो हमारी देसी गोवंश की गाय हैं उनको पालन पोषण वहाँ कर रहे हैं, और वो पशु भी इनका जो है इनका नाम अपने साथ साथ अपने मालिक का भी नाम बड़ा करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर आप एक बार व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम सुधीर देशवाल, गाँव लाडो, जिला डिस्ट्रिक्ट रोहतक से हैं जी। जी जी, और मैंने अपनी घर पर गाय रखता हूँ जी, जय गौ माता डेयरी फार्म के नाम से अपना नाम रख क्या जी? जी हम घरों पर दूध सप्लाई करते हैं, और सब में बढ़िया खुशखबरी की बात यह है, जैसे हम गौ को गौ माता बोलते हैं जी, ऐसे ही हमारी गौ माता एक दिन सबको पूर्णिमासी के दिन फ्री दूध देते हैं जी, हम बिल कटा के जी। काफी अच्छा है, काफी सराहनीय काम आप कर रहे हैं। तो सर मैं आज वीडियो शुरू करना चाहेंगे, तो आपके डेयरी फार्म पर जो हमारे देसी गोवंश की जो गाय है वो कितनी गाय आप रखते हैं? मैं सर ये 10-15 गाय रखता हूँ। 10 से 15 गाय अपने फार्म? हाँ जी। तो सर आप यहाँ इस मेले में कितनी गाय आप यहाँ लेके आए? मैं सर ये 4 गाय लेके आया हूँ, 2 ये आगे बंदी हुई, बाकी पीछे जगह है जी, वो पीछे बंद रही। भी हम बात करेंगे वहाँ डायरेक्ट उनसे मिलेंगे, तो पहले आप इनकी डिटेल्स आप व्यूअर्स को बताएं कि ये कितनी एज में है, इसने कंपटीशन फाइट किया है या फिर किसने प्राइज जीता है, जैसे कि हम इसी से शुरू करेंगे, तो इसकी डिटेल बताएं कि ये कितनी एज में अभी है। ये सर माँ बेटी है मेरी, दोनों ये दोनों माँ बेटी है सर, ये 25 नवम्बर को 2 साल की होगी सर, ये 2 साल की होगी। हाँ होली 25 नवंबर को, 25 नवंबर को 2 साल की होगी। हाँ 2 साल कुछ महीने की है। काफी शानदार कथाटी के साथ जो की 2 साल की एज दिन की सर ने हमें बताई है, तो इसकी साथ में आप मदर यहाँ देख पाएंगे। तो सर ये अभी कौन से लैक्टेशन में है? ये सर अभी 3री बार ब्याएगी, लेकिन आज की इसकी मेन खूबी, इसने जो अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी आज गाड़ी में दौरा लगा रहे थे, ये गौ बैठी थी उनके आगे पूरी बीन बांसुरी बाजा बज रहा था जी, मैंने ये गौ इनको ये बोल के उठाया, लिली उठ, ओम प्रकाश धनखड़ जी आगे हैं, आज इनका सम्मान करे। खुद ये गौ मेरे बोलने से उठ गई और ओम प्रकाश धनखड़ जी अपनी गाड़ी से उतर के बाकायदा इस गौ के पास में आए हैं जी, तो ये मिलने आए थे, हाथ से छूट गया, नहीं तो हम उस दृश्य को भी आज की वीडियो में जरूर कवर करते। तो सर इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो कितनी है? वो मिल्क कैपेसिटी जी है 19 लीटर में मेरी गौ पास हो रही है जी, जो की हरियाणा का 3रा वो था जी पूरा भारत का प्रतियोगिता, जिसमें 200 डांगर चैंपियन बुलाए गए थे जी। कौन सा मेला था जी? वो अपना रोहतक प्रदर्शनी थी जी, मेला नहीं था। हाँ जी ना, शिखर सम्मेलन कृषि इसमें जी। तो वीडियो में आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, तो इसके साथ हम फिर सर से एक बार संपर्क करेंगे, तो सर जैसे आपके पास ये है 2 साल की एज में, तो क्या आप ये प्रेग्नेंट है? हाँ प्रेग्नेंट है। ये आपने किसी सांड से प्रेग्नेंट करवाई या फिर सीमन यूज किया? नहीं सीमन यूज किया जी, इसका NDR करनाल से लागे जी। तो आपको बुल की आईडी याद है? बुल की तो आईडी नहीं जी, अनपढ़ आदमी जी। कोई बात नहीं सर, तो जैसे आपके पास ये हिफर हम बोल सकते हैं, ये कौन से बुल की है, क्या आपको इसकी भी जानकारी है? हाँ इसकी जानकारी है जी, ये हरियाणा बुल की है जी, जो करनाल NDR में वो सीमन तैयार करते जी अपने। तो ये भी सीमन से ही आपके घर जन्मी थी?
हाँ, ये भी सीमन से जन्मी है जी, क्योंकि हम सीमन यूज करते हैं, करनाल से मंगवा गए जी। काफी अच्छा। तो एक मैं क्वेश्चन भी आपसे यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि काफी ऐसे व्यूवर हैं जो जानते हैं कि हम नस्ल में सुधार करें तो हम अच्छे अच्छे बुल का सीमन यूज करें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम सीमन को कलेक्ट कैसे करें। तो आपने जैसे करनाल का नाम दिया, तो ये करनाल से सीमन हमें डायरेक्ट लेके आना पड़ेगा या फिर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है? साहब जी, अगर अमृत चाहिएगा तो पसीना बहाना पड़ेगा, करनाल खुद जाना पड़ेगा उनको जी। सर ने की है, यदि आप मोल अमृत नहीं मिला जी, अगर मोल मिलता हो तो मैं भी दे दूं जी साई आपको, एक कैन मेरी मंगवा दो जी। सही बात सर ने कही है, यदि हमें प्यास लगी है तो कुएं तक हमें ही पहुंचना जाना पड़ेगा जी। और जो सीमन हम लेते हैं उससे पहले हमें बुल को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहां हमें वो सीमन मिलेगा वहां तक हमें ही जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का भरोसा नहीं जी। वो हमने हमारे एरिया में आसपास में हमारे डॉक्टर के माध्यम से या और कोई जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है उससे जानकारी लेकर हमने सारा काम करना पड़ेगा। तो आइए सर, की जो बाकी हमारी गाय है उनसे भी हम मुलाकात करें, गाय यहाँ और वीडियो में कवर करेंगे। तो हम इनकी जानकारी लेने से पहले आप यहाँ देखें कैसे हमारे जो सर हैं इनको संबोधन के माध्यम से इनसे बातचीत करेंगे। तो सर इनको खड़ा करें एक बार। लाले खड़ी हो बेटा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे डेयरी फार्म का अपने पशुओं के प्रति कितना लगाव है और उस लगाव को हमारे पशु कितना निभा रहे हैं। तो एक बार नाम लेते ही जो हमारी गाय है इन्होंने अपने जो परिचय देने के लिए इन्होंने जो अपना स्थान ले लिया है, देख पा रही है, तो इसकी डिटेल भी हम सर से जानना चाहेंगे। तो सर इसकी भी डिटेल आप व्यूअर्स को बताएं कि ये कौन सी नस्ल में है, ये कब से आपके फार्म पे है, ये कितने दूध की कैपेसिटी के साथ आपके साथ है? सर हमारे पास में पहले से ही गाय रह रही हैं, लेकिन हमारे को ये बाहर का नॉलेज मनपट आदमी जी अपने गेट के अंदर गायों को रखते थे जी। खाली अपना दूध बेचना और अपना काम चलाने के लिए जी। लेकिन हमारे को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने उत्साहित किया कि भैया आप बाहर जाओ, अरे एक तरह के आदमी को ये गाय दिखाओ, जब आपके देश में ये रुझान बढ़ेगा कि देसी गायों को आज हम रख सके। अगर इतनी छोटी ही गाय की जी इतनी बढ़िया पोजिशन हो जो नाम लेते ही उठे, नहीं तो गाय गौशाला में भी छोड़ देते हैं जी आदमी जी। मैं यहाँ एक छोटी सी बात व्यूअर्स को करना चाहूंगा कि एक समय था हम किसी धोखे के झांसे में आ गए और एक विदेशी नस्ल को हमने यहाँ पना दे दी, लेकिन विदेश आप यहाँ देखिए जो देश हैं उन्होंने हमारे पशुओं की विशेषता पहचानी, वो हमारे देश से एक पशु लेके गए और उससे लाखों करोड़ों पशु अपने घर पे जो है तैयार किए और वो भी इस क्वालिटी में तैयार किए कि हमें उनको देख के दांतों तले उंगली को हमें दबानी पड़ती है। जैसे हम बात करें गिर गाय की जो हमारे देश की नस्ल है, लेकिन आज थाईलैंड में वो 60 से 70 लीटर मिल्क कैपेसिटी तक जो हो पहुँच गई है और वो जो पशुपालक हैं वो इस नस्ल का जो महत्व हो जानते हैं। उन्होंने गिर बुल है उसकी एक मूर्ति भी अपने देश में यादगार के लिए बनाई है कि इन्होंने हमारे देश में आके हमारी नस्ल में इतना अच्छा योगदान दिया है, कितने अच्छे मिल्क की कैपेसिटी पर हमें पहुँचाया है। तो ये देखें कि हमने आज हमारी देसी जो गोवंश है उसकी विशेषताओं को पहचान के, उसकी मिल्क की क्वालिटी को पहचान के, उसको आज हमने फिर दोबारा हमारे आंगन में उसको रखना पड़ेगा, उसकी नस्ल पर हमने जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी जो काफ़ी बातें हैं सर ने भी हमें बताई हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से भी काफ़ी ऐसे जो जानकारी वो इकट्ठा करते होंगे कि हमारी देसी गोवंश की गाय में ए टू मिल्क जो होता है वो हमारे शरीर के लिए जो काफ़ी फायदेमंद है, हमारे पौष्टिकता वो हमें देता है, ताकि हम कई बार आपने सुना होगा जिसके घर में गाय होती है देसी गाय होती है उसके घर में कभी बीमारियों का प्रवेश नहीं होता। तो इन सब बातों को हमने विशेष ध्यान में रख के हमारे घरों में वापस हमने हमारी देसी गाय को ले जाना पड़ेगा। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके घर पे ये है और आपने किसी के मोटिवेशन में आप हमारे तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस गाय की यदि हम बात करें तो ये कौन सी नस्ल में है, कितनी मिल्क कैपेसिटी है इसकी? सर ये पहली बार ब्याई है, हरियाणा नस्ल में गाय है जी। इसने खुराकी ने 9 दिन की ब्याई का दूध तोला था मैंने 20 तारीख को, आने से पहले इसके नीचे 9.5 किलो दूध तैयार थे। 9 किलो दूध जो हो तैयार है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जागरूकता के कारण ही पॉसिबल हुआ है, नहीं तो आज हमारी जो गायें हैं वो आज भी सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनकी मिल्क जो कैपेसिटी है वो 4 से 5 लीटर की जो मिल्क कैपेसिटी वो देख पाते हैं। और ये हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते, ये दोष हमारा ही है, क्योंकि जब जो एक निर्णायक समय होता है जब हम हमारे पशु को प्रेग्नेंट करवाते हैं उस टाइम हमारी जो गाय उसको हम खुला छोड़ देते हैं और कोई भी ऐरा गहरा
जो भूल है उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर आगे चल के 2-3 साल में जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है मिल्क में, जब हमें पता लगता है कि हमारे जो नस्ल थी वो हमने ही जो है खुद स्वयं ही खराब कर ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी शानदार गोधन सर के फार्म पे है। तो आज की वीडियो में हमने ये इनके फार्म के पशु जो कवर किए जो इस मेले में आए हुए थे, तो इसके लिए मैं स्पेशली हमारे फार्मर भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, हमें अपने पशु कवर करने दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नहीं, एक बात और सर, किसी भी गाय के नीचे कुछ भी हो जी हम तो उसके पॉइंट नोट करेंगे। अगर ये विश्व की गौ माता है जी, तो वो फार्मेसी इन चीजों का ध्यान रखे कि उसका पशु, जैसे हमारी ये छोटी बछड़ी है जी, ये नाम लेते ही खड़ी होगी जी, इसको ये पता था तेरा नाम भूल गया, ये पशु कहने में पशु है जी, लेकिन भूख तैसी इसको भी लगती है जी, समझ इसको भी है। कहीं भी कोई भी देश हो जी, उसमें गाय पा जाएंगी ज्यादा से ज्यादा दूध की, वो दिखाते भी है बताते भी है जी, लेकिन आज तक किसी भी देश वाले ने अपनी ये फिल्म नहीं भेजी मेरा पशु मेरा कहना मानता है जी। आज तक किसी का पशु ऐसे नोट नहीं किया होगा जी आपने जी। क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो जी हर एक तरह से, और आपके सामने ये मैंने उठा दी जी, अगर बाहर वाली गाय भी बैठी होती जी मेरी, वह भी कहना मानती है जी। तो जैसा कि सर ने बताया उसका सार मैं आपको कहना चाहूँ, प्यार के बदले हमें प्यार मिलता है। यदि हम पशु की अहमियत समझते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो भी उतना ही हमें प्यार करता है, क्योंकि वो भी उतना ही समझदार होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में मैं हमारे वीर देशवाल सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी।